तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य यही है तो हम उसका जल्दी प्रसारण करेंगे। विनोद जी आ गए, विनोद जी बताए प्लीज प्लीज एक मिनट। विनोद जी के सेवक के बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं था। भारत के संविधान निर्माता को वंदन करती हूँ। आपके दिखाए हुए राहों पर चलकर आध्यात्मिक अंग्रेज को हमने मिटाया है। समानता का अधिकार आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग से शिक्षा के द्वारा हमने मिला। आपने बाधा और संघर्ष को पार करके विश्वमुखी अमृत किया और राष्ट्र को अमृत किया। आपके इसी चरणों को आज के आयोजित कार्यक्रम में हम दिव्यांग बच्चों का स्मरण करने जा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत बड़ा एक जुलूस निकला था।
सच्चाई यही है कि उस जुलूस ने इन बड़े इरादों को रोक लिया तो इसके ऊपर तुम्हारा घात करने वाले वो बिना किसी लीडर के जुलूस था। उस दिन अगर जीवन बची कंपटीशन वाली प्रतियोगिता रखी है तो मैं सबसे पहले तो आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अनजस्टिस होता है ना, कभी अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी होती है, कभी आपके साथ होता है, कभी आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ होता है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि शुभ अवसर पर आप कोशिश करें कि उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, उसके खिलाफ अपनी बात रखें और तरीके से रखें, ऐसा नहीं किसी को अपन अभद्र भाषा का प्रयोग करें। हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको रखते हुए उनके अकॉर्डिंग अपनी बात रखें। मैं समझता हूँ कि हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो कानून बनाया है, उस कानून की पालना हमको ही करवानी है, कोई दूसरा नहीं करवाएगा। कोई दूसरी जो अदर वर्ग से बिलोंग करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे अधिकारों अधिकार मिले। तो मैं आप सबसे इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि अपने बीच में कोई असमानता नहीं आना चाहिए, है ना। सब भाई बहन की तरह रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो समाज जरूर आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि नेता है हम लोग, कई बार हम लोगों का बादल लंबा होता है, पर आज हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप तरक्की करें, संविधान को साथ लेके चलें और जो भी अनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। धन्यवाद, जय हिंद। प्रोग्राम कर रहे हैं मैडम भागवती, जैसा के अड्डे में जो है हमारे विनोद जी, शाकला जी पधारे हुए अतिथिगण महासभा के, और जो हमारे पार्षद जी भरत जी। बच्चों आज का जो दिन है वो बहुत ही पूजनीय, ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है। आपको मालूम होगा कि अपने को जो आज अधिकार या कुर्सी पर बैठने का जो है इन्होंने ही दिया है। एक टाइम था जो शेड्यूल टाइप के बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, पढ़े का अधिकार नहीं था, वो अधिकार इन्होंने दिया है। और आज अपन जो अपने लोग उच्च पदों के हैं, नौकरी में हैं, वो सब इन्हीं की देन है, तो इनको आपको नहीं भूलना है। आज जो आपको ये तस्वीर दी है ये कुछ नहीं है, घर में रखिएगा और इनके आदर्शों को पालना करते हुए आप आगे तरक्की करें, ये मेरा आपसे निवेदन। तो सबसे पहले हम नृत्य पुरस्कार से शुरू करते हैं। मैं उन्नति से अनुरोध करूंगा नृत्य पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीपक चौहान। तालियों के साथ स्वागत करें। द्वितीय पुरस्कार जा रहा है और सिर्फ इन्हीं की वजह से आज हम
हम इस समाज में इतने प्रतिष्ठित और सम्मानीय व्यक्तियों में और विद्यार्थियों को खासकर हमको इतना अच्छा दर्जा मिला और सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से। उसके लिए मैं वो रूम बनाने के लिए 5,00,000 रुपए वाला हूँ।